आगे मैं इसको प्ले करता हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आपको हर पॉइंट में एक्सप्लेन भी करूँ। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इक्विटी कैश मार्केट है, वहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। और जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर यूनिलीवर शेयर्स की ट्रेडिंग को दिखाया जा रहा है। और राइट हैंड साइड पर क्या है, ट्रेडिंग फ्यूचर्स ऑन इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे, इक्विटी शेयर्स को ट्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो आगे भविष्य में क्या होगा, सेटल होगा। तो फर्क समझ में आ रहा है आपके, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ लोग माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम कोई माल खरीदें और बेचेंगे फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रेडिंग फ्यूचर्स ऑन इक्विटी शेयर्स, फ्यूचर्स ऑफ यूनिलीवर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ यूनिलीवर के इक्विटी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं और फ्यूचर्स मार्केट में क्या ट्रेड हो रहे हैं, यूनिलीवर के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है ना, लोग यूनिलीवर के शेयर्स बाई कर रहे हैं कैश मार्केट में और यूनिलीवर के फ्यूचर्स बाई और सेल कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। तो ये फर्क जो है, इस फर्क को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे मूव करते हैं, वो देखते हैं क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। कि आप जब कैश मार्केट के अंदर आप इक्विटी शेयर्स ट्रेड करते हैं, तो उन शेयर्स में ट्रेड करते हैं जिसके शेयर्स जो हैं वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको क्या बताया जा रहा है, बायर एंड सेलर आर ओनली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय या सेल अ शेयर, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैश सेटल्ड ऑन अ सेटलमेंट डेट इन फ्यूचर। आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप अगर फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं या फ्यूचर्स सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर्स बाई किए तो आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं भविष्य में इस सेटलमेंट डेट के ऊपर मैं यूनिलीवर के शेयर्स बाई करूंगा। ठीक है ना, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कैश मार्केट के हम यूनिलीवर के शेयर्स बाई कर रहे हैं तो अलग सिस्टम है, आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको यूनिलीवर के शेयर्स मिले जा रहे हैं। लेकिन अब जब आप यूनिलीवर के फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बस ये बोल रहे हैं कि ठीक है मैं फ्यूचर के किसी सेटलमेंट डेट के ऊपर यूनिलीवर के शेयर्स बाई करूंगा। ठीक है ना, और अगर आप यूनिलीवर के फ्यूचर्स सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बोल रहे हैं कि ठीक है मैं भविष्य में किसी सेटलमेंट डेट के ऊपर मैं यूनिलीवर के शेयर्स क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है ना, तो ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है यूनिलीवर के शेयर्स बाय और सेल करने का, जिसका सेटलमेंट जो होगा वो फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फर्क समझ में आना चाहिए। जिस तरह से हम बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स पढ़ करके आए, तो आपको इन पॉइंट से किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और बहुत अच्छी दी जा रही है कि जैसे कि हमने कैश मार्केट में क्या देखा था कि आप एज अ बायर पेमेंट करते हैं और आपको शेयर्स मिल जाते हैं, बात खत्म। यहाँ पर क्या है, आप जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका कैश सेटलमेंट होगा। इंडिया में इसी तरह से ट्रेडिंग होती है और ज़्यादातर फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी यही होता है कि जो सेटलमेंट होता है वो कैश सेटलमेंट होता है। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर कैश सेटलमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट कई तरह के होते हैं, हमने देखा था डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट हो सकते हैं या कैश सेटलमेंट होते हैं। कैश सेटलमेंट में क्या होता है कि सेलर को माल को डिलीवर नहीं करना होता या बायर को माल की डिलीवरी नहीं चाहिए होती है। ठीक है ना, बायर और सेलर ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कोई एक रेट स्पेसिफाइड है। अब हम सेटलमेंट डेट का इंतजार कर रहे हैं, जब सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंचे तो हम ये देखेंगे कि उस सेटलमेंट डेट के ऊपर एक्चुअल में कैश मार्केट में क्या प्राइस चल रहा होगा, तो उस प्राइस के बेसिस पर क्या होगा, आपका प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसा कि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कैश सेटलमेंट को देखा था। ठीक है ना, तो पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। आप जब कैपिटल मार्केट के अंदर यानी कि कैश मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं और आपको शेयर्स मिले जा रहे हैं, बस बात खत्म। ठीक है ना, लेकिन जब इक्विटी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं या फ्यूचर्स सेल कर रहे हैं, तो बस आप एक सेटलमेंट डेट के ऊपर बाई और सेल करने की बात कर रहे हैं। और जब उस सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंचेंगे तो जिस प्राइस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस प्राइस को हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा। और उस प्राइस को जब हम कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से कंपेयर करेंगे
तो क्या हो सकता है, कोई प्रॉफिट और लॉस का एक सिचुएशन हो सकती है बायर और सेलर के लिए, और सिर्फ उस प्रॉफिट और लॉस को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह के सेटलमेंट को हम कैश सेटलमेंट बोलते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है जी, तो अगर अभी आपको कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आप अपनी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कि जैसे कि एक तो प्रॉपर्टी को खरीदने का तरीका ये कि मैंने कोई प्रॉपर्टी पसंद करी, मैं सेलर के पास गया और मैंने उसके साथ एक प्राइस एग्री किया, मैंने उसे पैसे दे दिए और उसने मुझे क्या दे दिया, मेरे नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी और मुझे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया। ठीक है जी, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमने और यानी कि मैंने एज ए बायर और उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है यानी कि सेलर, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है भाई आज से 6 महीने बाद क्या करेंगे, हम इसको सेटल करेंगे, यानी कि बायर पेमेंट करेगा और सेलर क्या कर देगा, मुझे इस प्रॉपर्टी की मेरे नाम रजिस्ट्री कर देगा और मुझे क्या कर देगा, इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देगा। तो हम लोगों ने कोई प्राइस एग्री कर लिया। अब जब हम आगे बढ़े और फ्यूचर्स में फ्यूचर के अंदर जो सेटलमेंट डेट है उस डेट के ऊपर 6 महीने बाद हम पहुंचे, तो उस समय उस प्रॉपर्टी का जो रेट था वो मार्केट में चेंज हो चुका था। मार्केट के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के दाम क्या रहते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, ठीक है जी, या गिरते रहते हैं। और जब हम उस सेटलमेंट डेट के ऊपर पहुंचे तो मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा था और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था वो उसमें मिसमैच हो रहा था। ठीक है जी, हो सकता है कि प्रॉपर्टी के दाम चढ़ गए हों तो बायर प्रॉफिट में रहा, क्योंकि उसने क्या किया था, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। अगर मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट गिर गए थे तो इस तरह से सेलर जो रहेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि उसने ऊंचे रेट के ऊपर प्रॉपर्टी को सेल करने का क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। तो जब हम फ्यूचर में पहुंचे तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, सी प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट हम करेंगे वो एडजस्टमेंट यानी कि कोई प्रॉपर्टी ट्रेड नहीं हो रही है, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बायर सेलर को पूरा प्रॉपर्टी का दाम नहीं दे रहा है और सेलर बायर को रजिस्ट्री करके प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर रहा है, उसका पोजीशन नहीं दे रहा है बायर को। बस क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट और लॉस है उसका एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है जी, उसका पे इन पे आउट हो रहा है। तो इस तरह के एक सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश सेटलमेंट बोलते हैं, और इस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर इंडिविजुअली हो रही है एक दूसरे के साथ तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है तो वो क्या है, वो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ करी और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया आपको ये समझाने में कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर काम हो रहा है तो पहले से स्पेसिफाइड है कि किन किन असेट्स के या किन किन शेयर्स के अंदर क्या हो सकता है, ये इस तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेटलमेंट डेट क्या होगी वो एक्सचेंज तय करेगा, लॉट साइज क्या होगा वो एक्सचेंज तय करेगा, सारे ऑर्डर्स जो होंगे वो ब्रोकर्स के थ्रू ही आएंगे, पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, ये कौन तय करेगा, एक्सचेंज तय करेगा। ठीक है जी, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि पार्टीज आगे चल करके डिफॉल्ट ना करें सेटलमेंट डेट के ऊपर, तो रिस्क मैनेजमेंट का जो सिस्टम होगा वो भी कौन इन प्लेस करेगा, उसको मेक श्योर करेगा, एक्सचेंज मेक श्योर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सचेंज मेक श्योर करता है, और एक बहुत ही रेगुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह से जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप एज ए बायर इंटर कर सकते हैं, एज ए सेलर इंटर कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी के केस में देखा। तो अगर आप फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज को बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर्स सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप किसी चीज को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो सेटलमेंट जो होगा वो आगे फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगा। तो मेरे ख्याल से फर्क जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो फ्यूचर्स बाई करना मतलब है किसी असेट को, जैसे कि इस एग्जांपल में यूनिलीवर शेयर्स हैं, उसको बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसका सेटलमेंट जो होगा वो फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगा। और फ्यूचर सेल करना, इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर सेल करने का मतलब है किसी असेट को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसका सेटलमेंट जो होगा वो आगे फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगा, उसका सेटलमेंट फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर होगा। और जब वो सेटलमेंट डेट आएगी तो हम वहां पर कैश सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, तो फर्क समझ में आ रहा है और ये फर्क आपको ध्यान भी रहना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि मार्केट प्राइस यानी कि कैश मार्केट में मार्केट प्राइस क्या होता है,
प्राइस इज डिस्कवर्ड बाय द कोटेशंस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि बायर और सेलर जब इक्विटी शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, कैश मार्केट के अंदर आपने देखा ही था कि वो किस तरह से अपने ऑर्डर्स को क्या करते हैं, वो पंचिंग करते हैं, वो ऑर्डर्स एक्सचेंज के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर ऑर्डर्स जो मैच करते हैं वो ट्रेड्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो जब ऑर्डर्स का जब एग्जीक्यूशन होता है, ऑर्डर्स की जो मैचिंग होती है, वहां से मार्केट प्राइस ओरिजिनेट होता है। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट प्राइस कहां से निकल करके आता है, ठीक है जी? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, बाय माल को बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑर्डर से, ऑर्डर की मैचिंग से मार्केट प्राइस निकल करके आता है। आप किस रेट के ऊपर माल बाई करना चाहते हैं, किस रेट के ऊपर सेल करना चाहते हैं, वो मार्केट प्राइस नहीं है। जब ऑर्डर की मैचिंग हो जाती है उससे मार्केट प्राइस निकल करके आता है। तो वॉट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर फ्रीक्वेंटली लगातार क्या हो रही है, ऑर्डर मैचिंग हो रही है, ठीक है जी? तो इस तरह से प्राइस इज डिस्कवर्ड बाय द कोटेशंस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। यहां पर हम देखेंगे राइट हैंड साइड पर कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो फ्यूचर्स का मार्केट प्राइस होगा, यानी कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो भी किसी प्राइस के ऊपर हो रहे हैं ना, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, बायर और सेलर अलग अलग प्राइस के ऊपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना। जिस तरह से कैश मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस के ऊपर लोग शेयर्स को बाई और सेल करना चाह रहे हैं, उनकी ऑर्डर मैचिंग हो रही, उससे कैश मार्केट का मार्केट प्राइस निकल करके आ रहा है। उसी तरह फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी एक सिस्टम है। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी ऐसा थोड़े ना कि किसी भी रेट के ऊपर बायर और सेलर क्या कर देंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। वो भी पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे और मार्केट को देख करके क्या करेंगे, किसी रेट के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी जो बायर और सेलर्स होते हैं वो उसी तरह से ही ब्रोकर के थ्रू क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस को, यानी कि फ्यूचर्स प्राइसेस को, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 865 का जो प्राइस दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में किया, तो ये जो 865 का मार्केट प्राइस जो है, ये किस चीज का मार्केट प्राइस है, ये फ्यूचर्स का मार्केट प्राइस है। तो इसको हम फ्यूचर्स प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसको कैश प्राइस बोलेंगे। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जिस रेट के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप में क्या है, वो फ्यूचर्स प्राइस है, ठीक है जी? तो जिस रेट के ऊपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बायर और फ्यूचर्स के सेलर क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डर्स क्या कर रहे हैं, ब्रोकर्स के थ्रू प्लेस कर रहे हैं, और वो ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सचेंज के ऊपर पहुंच रहे हैं, वहां पे ऑर्डर्स की मैचिंग हो रही है, और वहां से जो प्राइस ओरिजिनेट हो रहा है, उस प्राइस के ऊपर क्या हो रहा है, बायर और सेलर एक दूसरे के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी? तो वो प्राइस जो है वो अपने आप में क्या है, वो फ्यूचर्स का मार्केट प्राइस है, यानी कि वो फ्यूचर्स प्राइस है। और यहां पर जो प्राइस है, ये प्राइस जो है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्राइस जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो इस प्राइस से क्या है, वो इस प्राइस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो बायर और सेलर हैं, वो जो ऑर्डर लगा रहे हैं और उसके अंदर जो प्राइस लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कैश मार्केट के प्राइसेस को देख करके लगा रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि इस प्राइस की जो डायरेक्शन आ रही है वो कहां से आ रही है, वो कैश मार्केट के प्राइसेस से आ रही है। इसीलिए ही फ्यूचर्स मार्केट, क्योंकि अपने आप में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अपना प्राइस हम क्या बोलते हैं, वो डिराइव कर रहे हैं। कहां से डिराइव कर रहे हैं, कैश मार्केट के प्राइस से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है जी? ऑटोमेटिक डिराइव नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से कैश मार्केट मूव कर रहा है, उसी तरह से इक्विटी फ्यूचर्स मार्केट भी उसी के आसपास क्या करता है, हमें मूव होता दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो आज का रेट चल रहा है कैश मार्केट में, जिसके ऊपर दो दिन बाद सेटलमेंट हो जाएगा, और कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें एक महीने बाद, दो महीने बाद या तीन महीने बाद सेटलमेंट होगा, तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फ्यूचर्स प्राइस है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आज के प्राइस से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ट्रेडर्स हमेशा आज के, यानी कि कैश मार्केट के प्राइस को, यानी कि स्पॉट मार्केट के प्राइस को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, और उसी हिसाब से ही वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो उसके प्राइस कहीं ना कहीं वो कहां से इन्फ्लुएंस होगा, वो कैश मार्केट के प्राइस से वो इन्फ्लुएंस होगा, जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि फ्यूचर्स प्राइसेस आर आल्सो डिस्कवर्ड बाय द प्राइस कोटेशंस ऑफ बायर और सेलर्स ऑफ फ्यूचर्स। तो जब फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो फ्यूचर्स प्राइस है वो कहां से डिस्कवर होगा, जाहिर सी बात है जो फ्यूचर्स के बायर, यानी कि फ्यूचर्स बायर्स,
और फ्यूचर्स के जो सेलर्स हैं यानी कि फ्यूचर सेलर्स, जब वो अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे उनकी ऑर्डर्स की मैचिंग होगी और उन मैच्ड ऑर्डर्स के ऊपर जो फ्यूचर्स के जो ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे वहां से फ्यूचर्स प्राइस क्या होगा, डिस्कवर होगा, वहां से फ्यूचर्स प्राइस जो होगा वो ओरिजिनेट होगा। तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो फ्यूचर प्राइस है वो भी फ्यूचर्स के बायर्स और फ्यूचर्स के सेलर्स के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं एक्सचेंज पर और उनकी जो ऑर्डर मैचिंग हो रही है वहां से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो ऑर्डर्स की जो एंट्री हो रही है वो जिस प्राइस पर हो रही है वो प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैश मार्केट के प्राइस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे कि यहां पर नीचे दिया हुआ भी है कि बट द प्राइस इज डायरेक्टली इंपैक्टेड डिराइव्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैश मार्केट प्राइसेस। आगे देखते हैं, चलिए एक और पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर जो आपको कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर डिफरेंस को बताएगा। जब आप एज ए बायर काम करते हैं कैश मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप एज ए फ्यूचर्स बायर काम करते हैं तो किस तरह से आपके लिए चीजें होती हैं। आप जब कैश मार्केट के अंदर एज ए बायर काम करते हैं तो यू पे 100% वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट, ऑल द मार्जिन्स आर एडजस्टेड टुवर्ड्स 100% वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपको बताया जा रहा है कि आपको सेटलमेंट वाले दिन आपको जितने आपने शेयर्स बाय किए हैं उसकी पूरी वैल्यू आपको क्या करनी होगी, पे करनी होगी। हाँ, जो उससे पहले आप मार्जिन्स पे कर चुके हैं वो पूरे एडजस्ट हो जाएंगे उसके अंदर। और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जब आप बाई करते हैं तो यू नीड ओनली इनिशियल मार्जिन टू इंटर द ट्रेड। आपको ट्रेड करते समय आपको सिर्फ एक इनिशियल मार्जिन की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आपको सिर्फ एक इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर अट्रैक्टेड होते हैं। और हम देखेंगे किस तरह से उनके लिए एक प्रॉफिट का या रिस्क का एक सिनेरियो खड़ा होता है गोइंग फॉरवर्ड, हम उस पॉइंट को भी हम रेज करेंगे। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर जो आपको बता रहा है कि व्हेन यू सेल, यानी कि जब आप एज अ सेलर कैश मार्केट के अंदर काम करते हैं या एज अ सेलर आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप काम करते हैं तो किस तरह से आपके लिए इम्प्लीकेशंस होती हैं। कैश मार्केट के अंदर आपको डिलीवरी देनी होती है उन शेयर्स की जिनको आपने सेल कर रखा है, लेकिन अभी हम समझ चुके हैं कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट का सिस्टम नहीं होता है। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर कैश सेटलमेंट होता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होता है जो कि प्राइसेस के बीच में होता है, ठीक है जी। तो आपको एज अ फ्यूचर्स सेलर यू डोंट हैव टू डिलीवर शेयर्स, आपको शेयर्स डिलीवर करने नहीं होते हैं, यू ओनली नीड इनिशियल मार्जिन। आपको अगर आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एज अ फ्यूचर बायर काम करना चाहते हैं या आप एज अ फ्यूचर सेलर काम करना चाहते हैं तो बस आपको इनिशियल मार्जिन की आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, सेटलमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैश मार्केट में हम देख चुके हैं T+2 सेटलमेंट होता है, यहाँ पर एक डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है। और राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं जो कि फ्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर सेटलमेंट कैसा होता है। यहाँ पर डेली M2M सेटलमेंट होता है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनल सेटलमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो M2M को भी हम आगे अभी और डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि M2M का मतलब क्या होता है, मार्क टू मार्केट, यानी डेली बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है उसको हम करेंट मार्केट प्राइस से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ये मैं बात आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्केट के अंदर तो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन जिस रेट के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो लॉक हो गया है, ठीक है ना। तो उस प्राइस को यानी कि जिस रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस रेट के ऊपर आपने एज ए फ्यूचर बायर काम किया या एज ए फ्यूचर सेलर आपने ट्रेड कर लिया, वो प्राइस आपके लिए स्टे कर गया। लेकिन मार्केट में जो प्राइस लगातार चेंज हो रहा है वो आपको या तो प्रॉफिट दे रहा है या आपको लॉस दे रहा है। तो लगातार आपके कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से मार्केट प्राइस को जो कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस को जो देखने की जो एक सिस्टम होता है उसको मार्क टू मार्क बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि करंट रेट पर हम क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम मार्क टू मार्केट बोलते हैं या M2M बोलते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर क्या होता है, मार्क टू मार्क सेटलमेंट होता है। डेली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन है, ठीक है, और उसके बाद एक्सपायरी डेट के ऊपर फाइनल सेटलमेंट होता है जो कि आगे फ्यूचर में एक महीने आगे, दो महीने आगे या तीन महीने आगे हो सकता है, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड हो। आगे प्ले करते हैं हम इसको, एक और पॉइंट जो आपके लिए निकल करके आया है यहाँ पर कि एक्सपायरी, जब आप कैश मार्केट के अंदर कोई शेयर्स बाई करते हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ वो शेयर्स फॉर एवर आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि एज ए फ्यूचर बायर काम करते हैं या एज ए फ्यूचर सेलर काम करते हैं तो आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एज ए बायर आप गए हैं या आप एज ए सेलर गए
तो उसकी एक सर्टेन एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि आप उसके आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैज अ सर्टेन एक्सपायरी डेट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, और ये पॉइंट है कि आप किस तरह से आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं या एग्जिट करते हैं। अच्छा, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ जो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई भी दे रही है, एग्जिट द पोजीशन या क्लोज द पोजीशन, इसका मतलब तो आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे कि आपने अपना किसी मार्केट के अंदर आपने कुछ कोई माल या कोई एसेट बाई कर रखा है, तो अपनी पोजीशन को आप एग्जिट कैसे करेंगे, आप सेल करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? या आपने पहले से आपने किसी मार्केट के अंदर सेल कर रखा है, तो इस तरह से आपकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है मार्केट के अंदर, तो आप अपनी पोजीशन को कैसे एग्जिट करेंगे, आप बाई करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं या अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, और एग्जिट और क्लोज करके आप प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है? जैसे कि प्रॉपर्टी का केस कर लें, आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी तो आपकी पोजीशन क्या है, ओपन है। आपने इसे सेल कर दिया तो अपनी पोजीशन से क्या कर दिया, आपने एग्जिट कर दिया, या अपनी पोजीशन को आपने क्लोज कर दिया और आपने प्रॉफिट या लॉस बुक कर दिया। स्टॉक मार्केट में एक थोड़ी सी एडवांटेज रहती है कि आप पहले बाई करके सेल तो कर ही सकते हैं, या आप पहले सेल करके उसके बाद भी बाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों तरह की सिचुएशंस आपके लिए पॉसिबल रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरह से आप कैश मार्केट में अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं या क्लोज करते हैं, या फ्यूचर्स मार्केट में किस तरह से अपनी पोजीशन को एग्जिट या क्लोज करते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि अगर आप कैश मार्केट के अंदर आपने कोई ट्रेड लगाया, यानी कि आपने एज ए बायर काम किया या आपने एज ए सेलर काम किया, यानी कि आपकी बाई पोजीशन है या सेल पोजीशन है, तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अपनी पोजीशन से कब एग्जिट करें या अपनी पोजीशन को कोई क्लोज करें, यानी आपने शेयर्स बाई किए तो आपकी मर्जी है जब आप सेल करिए। ठीक है जी, किसी तरह की कोई इसके अंदर एक्सपायरी नहीं है जो आपको कंपेल कर रही है कि नहीं भाई इस डेट से पहले आपको सेल ही करना है, वरना आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे, एक्सपायर कर जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम प्रॉपर्टी की तरह कि एक बार आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी मर्जी है कब उसे सेल करिए। तो उसी तरह से कैश मार्केट के अंदर जब आप इक्विटी शेयर्स बाई करते हैं तो आपकी मर्जी है आप उसे कब सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यू सेल व्हेन यू फील लाइक, इधर विद प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपको प्रॉफिट के साथ अपनी पोजीशन को क्लोज करिए या लॉस के साथ क्लोज करिए, आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें फ्यूचर्स मार्केट से, तो इसमें क्या है, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर क्योंकि एक एक्सपायरी डेट है, एक फाइनल सेटलमेंट डेट दी हुई है आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको ये कंपल्शन है कि आप उस सेटलमेंट या एक्सपायरी डेट के ऊपर अपनी पोजीशन को एग्जिट करें, या उससे पहले आप किसी भी डेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं एक रिवर्स ऑर्डर एंट्री के थ्रू। यानी कि अगर आपने बाई कर रखा है तो सेल करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या अगर आपने फ्यूचर सेल कर रखे हैं तो आप उसके बाद उसी फ्यूचर्स के अंदर आप बाई करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है कैश मार्केट में और फ्यूचर्स मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में इसीलिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, भाई कैश मार्केट में क्या आपने शेयर्स बाई किए, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, उसका रेट गिर गया, तो आप अपनी पोजीशन को जब तक दिल चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं, और आगे कभी एक दो तीन या चार या छः महीने बाद शेयर प्राइसेस बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में भले आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको एक्सपायरी डेट से पहले, फाइनल सेटलमेंट डेट से पहले अपनी पोजीशन को आपको क्लोज करना ही करना है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में। ठीक है जी, चलिए हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि एडिशनल बेनिफिट्स ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, भाई आपने कोई पोजीशन क्रिएट करी, यानी कि आपने बाई किया फॉर एग्जांपल, तो कैश मार्केट में अगर बाई करते हैं या आप फ्यूचर्स बाई करते हैं और आपने अभी अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी, यानी आप अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है जी, यानी कि आप उस ट्रेड के अंदर बने हुए हैं, तो उस दौरान यानी कि जो आपका होल्डिंग पीरियड है आपको किस तरह के बेनिफिट्स और मिलते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें कैश मार्केट में, आप क्योंकि शेयर्स के राइटफुल ओनर होते हैं, ये पहले भी मैं आपको जब कैश मार्केट ऑन एक्सचेंज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बताया था कि जब आप कैश मार्केट के अंदर शेयर्स को बाई करते हैं तो आप शेयर के ओनर बन जाते हैं। तो आपको उसी शेयर से जुड़े हुए अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है या कोई बोनस अनाउंस करती है तो वो आपको मिलता है। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें कि फ्यूचर्स में अगर आपने कोई बाइंग कर रखी है, यानी कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स के फ्यूचर्स बाई कर रखे हैं, तो आपको क्या कोई एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू आर नॉट ट्रेडिंग शेयर्स, कि सबसे पहली बात तो आपको ये फिर से एक बार रिपीट की जा रही है कि आप शेयर्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं,
आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैं फ्यूचर में इस डेट के ऊपर शेयर्स बाई करूंगा या सेल करूंगा, तो ये फर्क है। ठीक है जी, यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट टू कैश सेटल योर बाय और सेल पोजीशन ऑन ए फ्यूचर डेट। आप तो बस क्या कर रहे हैं, बाय और सेलर तो बस एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैं फ्यूचर में इस सेटलमेंट डेट के ऊपर बाई करूंगा, सेलर कह रहा है ठीक है मैं सेल करूंगा, और जब वो सेटलमेंट डेट आती है तो वो एक्चुअली में बाई सेल नहीं कर रहे हैं, वो तो बस क्या कर रहे हैं उस डेट के ऊपर जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को कंपेयर करके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्योंकि एक्चुअल में कोई बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप तो बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैं फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर बाई करूंगा या सेल करूंगा, और उसको भी आप कैश सेटलमेंट के थ्रू आप सेटल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उससे जुड़े हुए कोई एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि हमने कैश मार्केट में देखा कि आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलते हैं, ठीक है ना, वो इस तरह का कोई भी बेनिफिट आपको फ्यूचर्स होल्डिंग से नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। मेरे ख्याल से इससे आपकी जो फ्यूचर्स मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा निकल करके आएगी। चलिए हम देखते हैं कि एक्सचेंजेस पर फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड होते हैं, उनका क्या ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आ रहा है वो ये कि आप किस तरह से एक एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं एज ए फ्यूचर बायर, और आप एज ए फ्यूचर सेलर आप किस तरह से काम करते हैं, और क्या एक्सचेंज के ऊपर एक सिस्टम रहता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग एक्सचेंजेस के ऊपर क्या रहती है और किस तरह से फ्यूचर्स एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं।